आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे, अंडाकार साइज का। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, दो कलर की पट्टियों से बनाते हैं। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इन पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच ली गई है, दो पट्टी सपोर्ट में रखेंगे और एक पट्टी को डोरमेट की गुथाई करेंगे। एक पट्टी से तीनों पट्टियों को फोल्ड करके हिस्से को और सुई धागे से अटैच कर लेते हैं। दो पट्टी सपोर्ट में रखी है, उस पर एक पट्टी द्वारा नोट लगा रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। बीच में एक एक आधा आधा इंच का गैप रखते हुए नोट लगा रहे हैं। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई साड़ी की लंबाई के अनुसार कैंची की सहायता से काट लेते हैं। इस प्रकार से 15 नोट लगा देते हैं। रस्सी को इस प्रकार टर्न कर लेते हैं, सपोर्ट में दो पट्टियां रखते हैं पूरे डोरमेट बनाने के लिए। इसको जाली भी बोलते हैं, इसको लूप भी बोलते हैं, इसको फंदे भी बोलते हैं। इसके अंदर के ही साड़ी की पट्टियां निकाल रही हैं डोरमेट बनाने के लिए। प्रत्येक फंदे में से एक एक फंदा निकाल रहे हैं। काफी लोगों का कमेंट आता है, सर आप जल्दी बनाते हो, धीरे बनाते हुए सिखाओ। तो आप, मैं आपको धीरे धीरे बनाते हुए दिखा रहा हूं। इस प्रकार से एक लाइन पूरी कर लेते हैं। जब पट्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी पट्टी को सुई धागे की सहायता से अटैच कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं पट्टी के और गोलाई आती है तो अंडाकार डोरमेट बनाते हैं तो गोलाई बनाने के लिए एक फंदे में दो फंदे भी ले सकते हैं, तीन फंदे भी ले सकते हैं और एक फंदा भी ले सकते हैं, जरूरत के अनुसार। जितने फंदों की हमें जरूरत पड़ती है उसके अनुसार ही फंदे निकालते हैं। यहाँ पर हमें दो फंदों की जरूरत पड़ती है गोलाई बनाने के लिए, तो दो फंदे निकाल रहे हैं। और अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे प्लेन स्थान पर।
इस प्रकार से हमारी लाइन पूरी कर लेते हैं। फिर हम गोलाई पे आ चुके हैं। अब गोलाई बनाने के लिए एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। आप धीरे धीरे पूरा वीडियो को देखोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि डोरमेट कैसे बना रही है। प्लेन स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रही है। इस प्रकार से लाइन पूरी कर लेते हैं। दोबारा हम गोलाई में आ चुके हैं तो यहाँ पर भी एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं गोलाई बनाने के लिए डोरमेट में। पट्टी की खिंचाई लूज रूप में करनी है, ज़्यादा टाइट रूप में भी नहीं करनी है, वरना ज़्यादा टाइट रूप में करने से डोरमेट में झोल पड़ जाता है। अब प्लेन स्थान पर प्लेन जगह आ गई है तो इस पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है, डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, दोनों तरफ गोलाई अच्छी बन रही है। आप डोरमेट में डिजाइन बनाने के लिए तीनों पट्टियों को कैंची की सहायता से काट लेते हैं और उसकी जगह दूसरी पट्टी के कलर को चेंज कर देते हैं। अब पिंक कलर की पट्टी को ले रहे हैं। सपोर्ट में पहले दो पट्टी थी और अब भी दो पट्टियों को ही सपोर्ट में जोड़ रहे हैं। दोनों पट्टियों को सुई धागा की सहायता से सिलाई कर लेते हैं। ये दोनों पट्टियाँ सपोर्ट में रखेंगे पूरे डोरमेट बनाने के लिए। दूसरी पट्टी को सिंगल पट्टी वाली जगह सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से अब एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से तीन चार राउंड लगा लेते हैं। तीन चार राउंड लगाने के बाद में पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब ग्रीन कलर की पट्टी को अटैच कर लेते हैं सुई धागे की सहायता से पट्टियों को। सपोर्ट में दो पट्टी थी तो दो पट्टी को अटैच कर लेते हैं और एक पट्टी थी तो एक पट्टी को अटैच कर लेते हैं। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं।
इस प्रकार से 3-4 राउंड लगाकर हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक लंबा चौड़ा डोरमेट बना लेते हैं, इसी नियम अनुसार चलते रहते हैं और मोटा भी डोरमेट बनता है। सपोर्ट में दो पट्टी साथ में रखते हैं तो मोटा डोरमेट बनता है और मजबूत भी बनता है।